हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहे हैं। अभी हमने इसमें शॉर्ट ब्रिज नहीं बनाया है। अभी देखो इसका क्या हाल है। अभी यहाँ पर एक एनोड हाफ सेल ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने जिंक का एक रॉड लगाया है और Zn(SO4) का सोल्यूशन लिया है। और दूसरा हाफ सेल जो हमने बनाया है उसमें कॉपर का रॉड लिया है और उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। अब देखिए, ये जो है आपका एनोड हाफ सेल है और ये कैथोड हाफ सेल है। ठीक है, ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है। अब देखो, जैसे ही आप इसको वायर से कनेक्ट करते हो तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब यहां पर क्या है कि जो जिंक है ये टूट करके जिंक आयन में बदलेगा और दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये जो जिंक आयन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर चला आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस रॉड पर पहले आएगा, फिर ये वायर के सहारे बहते हुए दूसरे हाफ सेल के अंदर चला जाएगा। अब देखिए, ये प्रोसेस जब लगातार चलता रहेगा तो धीरे धीरे इसके अंदर जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर इस जिंक के वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देगा। जब ये ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए तो कहेंगे कि जो सेल है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम स्टेट में ये सारे जो पॉजिटिव आयंस इस इलेक्ट्रोड को घेर रखे हैं उनका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इस रॉड पर जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के वजह से इस रॉड का जो निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द हाफ सेल the difference in electric potentials of electrode and the ions and the oppositely charged ions and the oppositely charged ions in solution is called electrode potential। तो यहां अपोजिटली चार्ज आयन का मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पर जैसा चार्ज है, इलेक्ट्रोड पर जैसा चार्ज है उसके अपोजिटली चार्ज आयन। जैसे अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ का पॉजिटिव आयन का पोटेंशियल हम मेजर करेंगे। तो इस पॉजिटिव आयन के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सेल के सॉल्यूशन के अंदर है और इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उनके बीच का डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर यही सारा मेजरमेंट, अगर यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हम तब चेक करें जब इस सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का है वो 1 m हो और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन हो, तब उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस इलेक्ट्रोड और इन आयंस के बीच, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है कि बस टेम्परेचर को ध्यान रखेंगे कि ये 298 केल्विन होना चाहिए, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है जो आपने यूज किया है इसके अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो 1 m है, मतलब मोलारिटी 1 होना चाहिए। उस समय इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो आयन है उसके, जो अपोजिटली चार्ज आयन इसको घेर रखा है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो टाइप का होता है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहें वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है
अब यहां टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टाइप तो एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स वो कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे कोई मेटल है वो टूट करके मेटल आयन में बदला और उसने एक्स अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो ये कितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा वो एबिलिटी कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना आसानी से और जितना ज्यादा अमाउंट में वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है वो कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का जो क्षमता है किसी इलेक्ट्रोड में वो कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कितना एक्टिवली वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, कितना ज्यादा टेंडेंसी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का है वो उसका कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कोई मान लो मेटल आयन है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो मेटल एटम में कन्वर्ट हो गया, तो ये इस मेटल के आयंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी है, तो ये कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए अगर ये सारी बातें हम स्टैंडर्ड कंडीशन में करें, मतलब जब किसी सेल के अंदर हम कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का 1 m रखें और टेम्परेचर 298 केल्विन रखें, उस समय अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका मेजर कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माना जाएगा, है ना। मतलब जब किसी हाफ सेल का कंसंट्रेशन 1 m हो और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन हो, उस स्थिति में उस मेटल में जितना इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है वो कहलाएगा उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और उसी तरह अगर किसी हाफ सेल का कंसंट्रेशन 1 m है और उसके अंदर उस समय जो और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो उस समय जो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी है वो कहलाएगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बहुत सारे एलिमेंट्स को हम उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं, है ना, और सजा के हमने रखा है। और तो जो एलिमेंट्स का हमने एक सीरीज बनाया है जिसमें एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल या घटते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में सजा रखा है, उस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को हमने सजा लिया तो सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में बना हुआ मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जब आप खोलेंगे तो आप खोजिएगा, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाएगा किसी पेज पर बना हुआ। अब इसको बनाने से क्या एडवांटेज है, क्या फायदा हुआ, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
केमिकल सीरीज। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि आप किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को आप पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन ये खुद ब खुद हो सकता है या नहीं, मतलब वी कैन फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। जैसे मान लो कि जिंक का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट के साथ करवाना चाहते हैं और ये रिएक्शन अगर होता है तो ZnSO4 और कॉपर बनेगा, पर ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा या नहीं, मतलब बिना एनर्जी सप्लाई किए हुए ये रिएक्शन होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सहायता से आप पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन खुद ब खुद हो सकता है या नहीं। कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर ये जो मेटल इसको डिस्प्लेस करने वाला है उसका पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होना चाहिए, या आप कह सकते हैं ये कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होना चाहिए इससे। अगर जिंक, इफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो कॉपर से, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो कॉपर से, इफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज स्मॉलर देन कॉपर, अगर ऐसा है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो आपने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता लगा के ये पता लगा लिए कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है कॉपर से तो ये रिएक्शन नहीं होता स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके किसी दो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू एलिमेंट्स। दूसरा फायदा ये है और तीसरा फायदा ये है इससे कि कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा कि नहीं, ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं। अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा हो तो ऐसे में वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन से कम हो तो वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो वी कैन फाइंड द मेटल्स विच कैन रिलीज हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एसिड। हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मेटल रिलीज नहीं करेंगे हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग कह सकते हैं SHE। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसको यूज क्यों करते हैं, तो पहले यूज इसको समझिए कि जो हाइड्रोजन है इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो जीरो होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जो कैपेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है।
तो इसी से हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं कि इसके मुकाबले किसका ज्यादा है और किसका कम है, और हम इसका यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं इस वजह से। अब देखिए यहां पर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन होगा HCl का, जिसका मोलैरिटी है 1 m, 1 m HCl का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर होता है, और इसमें एक प्लैटिनम का वायर जिसके एक एंड पर प्लैटिनम फॉइल अटैच्ड है वो इसमें लगा रहता है, और ये प्लैटिनम का वायर और ये फॉइल जो है वो प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड होता है। प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग का मतलब प्लैटिनम के डस्ट का एक कोटिंग होता है, और ये जो वायर है वो सील किया होता है एक ग्लास के ट्यूब में सील किया होता है, और एक अरेंजमेंट हम लोग यहाँ बनाते हैं जिसके सहारे हम हाइड्रोजन गैस इस सॉल्यूशन के अंदर बबल कर सकते हैं। यहां से एक पाइप के जरिए हाइड्रोजन गैस इसके अंदर बबल कर सकते हैं, जिसका प्रेशर होना चाहिए 1 bar। अब इसको आप किसी वायर के सहारे दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया, जो कि कैथोड हाफ सेल के तरह भी काम कर सकता है या एनोड हाफ सेल के तरह भी काम कर सकता है। अब हमें जानना है कि अगर ये कैथोड हाफ सेल के तरह काम करे तो इसके अंदर किस टाइप का रिएक्शन होगा, और अगर एनोड हाफ सेल के तरह काम करे तो इसके अंदर किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो वेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क्स एट एनोड, जब ये एनोड के तरह काम करता है तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होगा। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होने वाला है कि जो हाइड्रोजन गैस आप बबल कर रहे हैं इसके अंदर, वो हाइड्रोजन गैस टूट करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम फॉयल वायर और के जरिए आगे की ओर बढ़ते हुए दूसरे हाफ सेल को जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो अगर वर्क कर रहा हो कैथोड के तरह, तो वहां पर क्या रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा। तब तो क्या रिएक्शन मिलेगा कि यहाँ आपको पता है कि HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इस सॉल्यूशन के अंदर H+ और Cl- के रूप में प्रेजेंट होगा। तो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो H+ आयन है वो H+ आयन किसी दूसरे हाफ सेल से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे जब ये कैथोड हाफ सेल के तरह काम कर रहा होगा। लेकिन इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कुछ कमियां भी है, कुछ डिसएडवांटेज लिमिटेशन भी इसके अंदर है। तो इसके अंदर क्या लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, वो अब हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो डिसएडवांटेज है वो पहला तो ये है, डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसके अंदर जो कमियां हैं वो क्या है कि सबसे पहला कमी ये है कि अगर ये किसी दूसरे हाफ सेल से जुड़ा हुआ है किसी किसी टेम्परेचर पर, तो वो रिएक्शन कितना फास्ट है ये डिफिकल्ट है पता लगाना, और अगर पता लगा भी लें तो कितना तेजी से हमें हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भेजना है 1 atmospheric प्रेशर को मेंटेन किए करते हुए, ये काम डिफिकल्ट है। तो इसके अंदर जो गैस हम भेज रहे हैं उसका प्रेशर 1 bar मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी बात,
तो पहला प्रॉब्लम ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन वन बार प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और साथ साथ जब कभी भी ये कैथोड हाफ सेल की तरह अगर काम कर रहा हो तो उस समय तो इसका HCl का H प्लस आयन यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में उस समय कितना हम HCl समय समय पर मिलाते रहें ताकि यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो 1m मेंटेन रहे, वो भी डिफिकल्ट है। तो मतलब HCl का जो कंसंट्रेशन है वो 1m मेंटेन करना भी मुश्किल है। तो क्या लिखेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन वन बार प्रेशर ऑफ HCl एंड 1m कंसंट्रेशन ऑफ HCl। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो इंप्यूरिटी हर सॉल्यूशन में कम ज्यादा होता ही है, इस सॉल्यूशन में भी इंप्यूरिटी हो सकता है। तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर कोई इंप्यूरिटी है तो उसकी वजह से ये प्लैटिनम का जो फॉयल है वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो इस वजह से हमें फॉयल बार बार चेंज करना होता है या इसे ठीक करना होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ड्यू टू इंप्यूरिटीज इन सॉल्यूशन द प्लैटिनम फॉयल इज इजिली गेट पॉइजन। ये दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है।